एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी इस देश के गृह मंत्रियों, जो मुख्यमंत्री जो है मैक्सिमम राज्यों में गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं, उसकी मीटिंग को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि फेक न्यूज से सबको सावधान रहना है। अब सोचिए कि इस देश में कौन लोग फेक न्यूज चलाते हैं। टीवी और अखबार का इंपॉर्टेंस समझिए। प्रधानमंत्री को पता चल गया है कि 2014 में कैसे उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था और अब तक कैसे टीवी अखबार का इस्तेमाल हो रहा है, और यही वजह है कि वो अब घबरा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में अपोजिशन के नेता आम आदमी सोशल मीडिया पर है। आप सोचिए, SC ST एक्ट बंद कैसे हुआ था सोशल मीडिया से। आप सोचिए कि तमाम भ्रष्टाचार की खबरें, अंबानी अडानी एयरपोर्ट पर ड्रग्स की खबरें, अर्थव्यवस्था की खबरें, हंडर इंडेक्स की खबरें, सब वायरल कैसे होती है। टीवी अखबार इस देश की वो तमाम खबरें दबा रहा है जो जनता से जुड़ी हुई है। महंगाई पर कोई डिस्कोर्स नहीं, चीनी घुसपैठ पर कोई बात नहीं, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं, और सोशल मीडिया में वो ताकत है कि लोग ट्रोल करा रहे हैं। और अब तो और ट्विटर के दिन बदलने वाले हैं। सोचिए, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर से हटा दिया गया है, एक और कर्मचारी को हटाया गया है, क्योंकि इन दोनों पर आरोप है कि ये वायस थे। एलन मस्क अब ट्विटर के हेड बने हैं। देखने वाली बात होगी कि वो क्या करते हैं। वैसे उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दबाव में नहीं आते हैं, तो चलिए क्या होता है सो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की, तो क्या प्रधानमंत्री टीवी अखबार पर कार्रवाई करेंगे जो सचमुच के इस देश में फेक न्यूज फैलाता है। मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, प्रधानमंत्री का भाषण सुन लीजिए। वो कह रहे हैं, आरक्षण का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से आरक्षण को लेकर फेक न्यूज फैला और उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। आरक्षण तो खत्म हो रहा है, कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, अब उस पर बात होने लगी है। ये सुनिए एक बार। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकते। सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकते। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश में। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री सोशल मीडिया का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि सोशल मीडिया को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और लाखों करोड़ों लोग, जबकि सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया से ज्यादा फेक मीडिया जो है, फेक खबरें जो है वो चल रही है टीवी और अखबार पर। काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया को लेकर जो ये बात कही है और उन्होंने जो मुद्दा चुना वो आरक्षण का चुना, इसका मतलब उनको लग गया है कि बहुजन समाज के लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, और क्या उसी पर नकेल कसने की तैयारी है। फिर से सुनिए। सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश में। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
तो सोचिए किस तरह से फेक न्यूज को लेकर प्रधानमंत्री का ये बयान आया है। सवाल है कि इस देश में सबसे ज्यादा झूठ फेक न्यूज टीवी अखबार फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम टीवी अखबार कर रहा है। आप सोचिए किस तरह से अब सारे टेलीविजन कह रहे हैं कि संविधान सेकुलर है। कब जब अरविंद केजरीवाल ने धर्म का कार्ड खेल दिया है, धर्म की राजनीति लगातार हिंदू मुस्लिम पर डिबेट हुई है, नोटबंदी पर मास्टर स्ट्रोक कहा गया जबकि आम लोग लाइन में थे, कोरोना में ताली थाली बजवाया गया, आम लोग पैदल चल के मर गए, टीवी अखबार ने नहीं दिखाया क्योंकि सरकार की साख खराब होती। मनमोहन सिंह की सरकार क्यों गई थी, क्योंकि मीडिया ने दिखाया था 2000 लोग आते थे रामलीला मैदान में और उसको देश का आंदोलन साबित कर दिया गया और सरकार चली गई। इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्ष में हूं। भारत में सरकार आती जाती रहेगी, मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, जनता की खबरें दिखानी चाहिए, जनता की तकलीफ दिखानी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मोदी जी मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई भी सरकार कंट्रोल करेगी, हर पार्टी चाहती है कि हम सत्ता में बने रहे, लेकिन ये जो मीडिया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता का सवाल उठाए और इससे नुकसान देश को हो रहा है। बीजेपी सत्ता में रहेगी, देर सवेर सत्ता से बाहर जाएगी जब जनता के पेट पर लगातार लात लगता रहेगा। अरे जाड़ वंश की समाप्ति हो गई, हिटलर को जाना पड़ा, मनमोहन सिंह 10 साल के बाद चले गए, इंदिरा गांधी को जाना पड़ा, नेहरू की सरकार गई है, आप किस खेत के हैं, लेकिन इसमें देश का नुकसान हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस देश की मीडिया सजग होती है उसकी, मोदी जी को उसके लिए मैं ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानता, उनको खबर ही नहीं पता चलने दी जा रही है, उनकी तो कोशिश होगी ही, मोदी जी की तो कोशिश होगी ही कि भैया हमारे खिलाफ खबरें ना दिखाई जाए, जनता की समस्या ना दिखाई जाए, लेकिन इससे जनता का नुकसान होगा। आदमी एक बार दो बार धोखा खा सकता है, हर बार थोड़ी खाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी और सरकार से ज्यादा जिम्मेदार इस देश के टीवी और अखबार हैं जो जनता को नहीं दिखा रहे, जनता को बरगला रहे हैं, अफवाह दिखा रहे हैं। आप किसी सरकार के पक्ष में बात करके उस सरकार का भी भला नहीं कर रहे हैं। अगर मीडिया सच्ची खबर दिखाए तो सरकार जरूर बेरोजगारी के खिलाफ इनिशिएटिव लेगी। सोचिए SC ST एक्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ, सरकार ने उसको बदला, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, सरकार ने उसको बदला। टीवी अखबार सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह कर रहा है, उनको बता ही नहीं रहा है कि देश में चल क्या रहा है, देश में समस्या क्या है। उनको लग रहा है चारों तरफ सब ठीक है। तो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन, डेमोक्रेसी का दुश्मन टीवी और अखबार है, और वही सबसे ज्यादा ऐसी खबरें, सोचिए अनुराग ठाकुर ने कहा है कि टीवी अखबार की वजह से हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार का बयान है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फेक न्यूज चल रहा है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सही न्यूज दिखाई जा रही है, लोग अपना ट्वीट लिख रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं। जो IT सेल के लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो फेक न्यूज फैलाते हैं। तो प्रधानमंत्री जो ये मीडिया को लेकर कह रहे हैं, इसको लेकर समझिए कि इस देश के टीवी अखबार किस कदर, अब सोचिए टीवी अखबार वाले की क्या मजबूरी है। अरविंद केजरीवाल ने एक मांग कर दी कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए नोट पर, अब सारे टीवी अखबार कह रहे हैं कि देश सेकुलर है। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उन अरविंद केजरीवाल को गलत ठहरा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसे अरविंद केजरीवाल को, अगर यही बीजेपी अगर ये मुद्दा लाती तो तमाम विपक्षी दलों से पूछा जाता कि आप हिंदू विरोधी हैं क्या। पत्रकारिता का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम पर सवाल किए जाते हैं, पूरे देश को हिंदू मुस्लिम उलझाया जा रहा है और उससे अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ये सब सवाल दब रहे हैं। कोई भी सरकार तभी अच्छा काम करेगी जब उसको जनता की समस्याओं के बारे में पता होगा, और ये काम मीडिया का होता है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए राजेंद्र पाल गौतम को, जिन्होंने संविधान बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ली, उसको लेकर किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है। आप सोचिए कि ये सबसे बड़ी खबर है, दर्दनाक खबर है। वहीं आज एक बड़ी तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम तस्वीरें देखिए। आज खड़गे साहब बाबा साहब के म्यूजियम गए, दिल्ली में जौलीपुर रोड पर म्यूजियम है,
वहां गए, उनके साथ उदित राज भी थे, राजेश लिलोटिया भी थे, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो ये बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं, जब से खड़गे अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, किसवीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, बहुजनों की सदी होगी, आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं बहुजन समाज को। इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब सोचिए, राजेंद्र पाल गौतम को गर्दन काटने की धमकी दी जा रही है, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में डालना चाहिए जो हिंसा की बात कहते हैं। 22 प्रतिज्ञा इस देश के पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है और वो दीक्षा भूमि पर लगा हुआ है। वो किसी संविधान के, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी की भावना आहत करने के लिए नहीं है। स्वाभाविक बात है, अगर कोई इस्लाम छोड़ के वैदिक धर्म में आएगा तो वो तो कहेगा ना कि मैं अल्लाह ताला को नहीं मानूंगा। उसी तरह से कोई वैदिक धर्म छोड़ के बुद्धिज्म में आएगा तो वो कहेगा। तो ये सवाल है, ये सब पता नहीं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं पता है, या फिर कोर्ट से आप कोर्ट चले जाइए, लेकिन मारने की धमकी, ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। और बहुजन समाज के लोग बहुत सचेत हो रहे हैं, सामाजिक आंदोलन पड़ रहा है। सोचिए, आरक्षण के विरोधी कौन लोग हैं? यही लोग हैं इस देश में। कल भी मुझे फोन आया था आजमगढ़ से, लखनऊ में पीएचडी का दाखिला हो देश भर में, अभी बिहार में एग्जाम, तो देश भर में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे राजनीति को हिंदू मुस्लिम धर्म के आसपास बुन दिया गया है, और इससे सबसे ज्यादा गरीब समाज के लोगों की समस्या है। नेशनल दस्तक पर एक रिपोर्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश के बैतूल से आए हुए कुछ महिलाएं जो बीड़ी बनाती हैं, सब ओबीसी हिंदू हैं, जो मोदी जी के वोट देते हैं, मामा को वोट देते हैं, कह रहे थे वो, उनकी लाचारी बेबसी सुनेंगे ना तो सीना चाक हो जाएगा, सीना चीड़ आपका रोने लगे, खून के आंसू रोएंगे। तो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल थी मैं लेकर आया था। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।